संभालो अपने आप को नेहा, संभालो। वो चीज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है नेहा। मैं जानता हूं उसे खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना है, इसलिए उसका हमारे से छुपा रहना ही बेहतर है। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो। देखो मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। घर तुम्हारे पास है। सुनो, देखो ये घर, देखो ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये टेबल, ये सोफा। मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ, हमारी लाइफस्टाइल इससे भी बेटर हो सकती है। देखो अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद। तुम चाहते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? जिंदगी नहीं, नहीं हाँ, मौत है मौत। इसलिए वो चीज तुम्हारे से हमेशा दूर रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। नेहा, नेहा, वो छापने के लिए। नेहा कंट्रोल है सब, नेहा। प्लीज नेहा, इस बारी। आ, नेहा, इस बारी नेहा। नेहा प्लीज। दे दो मुझे। मैं तुम्हारा रोहित हूँ नेहा। यहाँ टीम में नेहा, नेहा। दे दो। नेहा तुम क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप। दे दो रोहित। कभी नहीं दूंगा नेहा। दे दो। कभी नहीं दूंगा। ये रहा, चल बेटा। फाइव जीरो टू। हाँ गॉड नोस, चल आ जा। ये तो बिल्कुल फर्निश्ड फ्लैट है, देखो। माँ कितना अच्छा घर है ना, इसमें तो सोफा भी है, काफी अच्छा है। माँ माँ, पापा की याद आ रही है, मुझे भी बहुत याद आ रही है पापा की। काश काश बिजनेस के लॉस ने तेरे पापा की जान ले ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपना बंगला छोड़कर इस किराए के फ्लैट में नहीं आना पड़ता। माँ आप चिंता मत कीजिए, भले आज मैं नौकरी कर रही हूँ पर देखना कल जरूर मैं पापा का बिजनेस वापस स्टार्ट करूंगी और वो हमारा बंगला वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएगा। आई प्रॉमिस माँ। आई नो बेटा, तुम सब कर लोगी। मुझे तो अफसोस इस बात का कि तुम्हारे
तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही ने तो किया है मेरे लिए सब कुछ, और फिर हमारे बुरे दिन चल रहे तो क्या हो गया? हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और अपनी बेटी पे भरोसा है ना आपको? हाँ बाबा, पूरा भरोसा है। और वैसे भी ये फ्लैट किसी बंगलों से कम थोड़ी ना है ना? हाँ अब बातें ही करती रहेगी या ऑफिस के लिए रेडी भी होगी जाके? हाँ मैं शाम में आकर आपकी मदद करूंगी घर सेट करने, ठीक है? डोंट वरी, आई विल मैनेज। वहां पे तेरा लगेज रखा हुआ और वॉशरूम भी वही है। जा जा जल्दी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग दिव्या जी। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए ना प्लीज। कुछ नहीं। आप, मैं आपको ठंडा पिलाता हूँ क्योंकि आज आप बहुत हॉट लग रही हैं। सुनिए जी, कहिए। चाय मिल सकती है? अरे मैडम अभी अभी तो आप आई हैं, अभी दामन संभाला है और आपकी इस चाय चाय ने मेरा दम निकाला है। थोड़ा काम कर लीजिए, फिर आपके लिए चाय कॉफी ठंडा सब कुछ लाएंगे। हेलो, क्या मेरी करण सर से बात हो सकती है? एक मिनट सर। सर एक्चुअली उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो रहा, सुबह से फोन लगा रहे, कोई उठा नहीं रहे। अब फोन लगा तो आप बोल रहे कनेक्ट नहीं हो रहे, हाँ क्या हो रहा है? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. Looking beautiful. Thank you. Bye. Oh, hello. Chashmish. What's wrong? ये करण सर का अटेंशन लेना ना तुम्हारे बस की बात है नहीं चश्मिश, सो यू बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते। आप क्या नई नई आई है ना आज? जी हाँ, आज सुबह ही शिफ्ट किया हमने। हाँ वो गाड़ी देखी थी ना सामान वाली, ये बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ का अड़ोस पड़ोस भी बहुत ही अच्छा है। आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजलि है, मैं वो 302 है ना फ्लैट उसमें रहती हूँ। वैसे आप किस फ्लोर पर आई है? जी फिफ्थ फ्लोर 502 में। 502। आप चलिए ना चाय पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा अर्जेंसी में हूँ, बाद में आती हूँ। माँ माँ मेरा नाश्ता रेडी कर दो, मैं ना आने जा रही हूँ। हाँ बेटा।
सोनिया बेटा जल्दी आ जा, ब्रेकफास्ट रेडी है। ओह माय गॉड, लुक एट यू, कितनी सुंदर लग रही हो। बिल्कुल प्रिंसेस। ना आप भी ना, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करें। सिर्फ मैंने आज चश्मा नहीं पहना इसलिए मैं थोड़ी सी अलग लग रही हूँ। जी कुछ नहीं, आई नो चश्मा नहीं पहना है वो तो मैंने नोटिस किया, लेकिन तुम्हारे खुले बाल, उस पे तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा बिना चश्मे वाला, और तेरा ये परफ्यूम बहुत अच्छा है ना। पहली बार लगाया ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तेरे से, सच्ची। आप भी ना माँ, ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हो, मैं कुछ खास नहीं लग रही। यू आर प्रिटी। अच्छा ठीक है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब ऑफिस जाएगी और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तब तो मानेगी। बैठ के खा, चल 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 चल। माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आके शाम को मिलती हूँ। बाय। अच्छा अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ सोनिया मैडम। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ तो लेना पड़ेगा, और आपके लिए मैं ठंडा लाता हूँ क्योंकि आज आप सच में बहुत हॉट लग रही हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस सोनिया, न्यू जॉइनी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, पर मैं पिछले एक साल से यहाँ काम कर रही हूँ। ओह, कभी नोटिस नहीं किया, सॉरी अबाउट दैट। नो प्रॉब्लम, जस्ट एक्सक्यूज मी वन सेकंड। श्योर। हेलो, हाय, दिस इज सोनिया फ्रॉम एके एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यकीन नहीं होता हम पहले कभी नहीं मिले। Nice perfume. Thank you so much, sir. Best of luck. Thank you. Mom! Sonia? Surprise! मैं कितने सारी शॉपिंग करके आई। ये देखो। ये कैसा? चीता प्रिंट? Very pretty, ना? और आपने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? बताओ बताओ। व्हाट मॉम? बेटा ये बाल तेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, और ये सारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन तू अपने सारे मंथ की सैलरी अगर एक दिन में अपने बालों और कपड़ों पे उड़ा देगी तो घर कैसे चलेगा बच्चा? मॉम मैं जानती हूँ, और डेढ़ साल से घर कौन चला रहा है? आप चला रही हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। क्या हो गया तुझे बेटा? माँ प्लीज, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है जिसमें अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, समझी? सोनिया शट अप। सब के सब पागल है, मुझे जो बनना मैं पहनूंगी, सब ने पागल कर दिया।
क्या हुआ? ये फिर शुरू हो गया। अब ये नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता। आवाज आ रही है? कहाँ आ रही है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। नहीं, अभी आ रही थी। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है बेटा। बेटा, बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, शायद बाजू वालों के घर में कुछ काम चल रहा होगा। हाँ चला जा सोच। माँ आप भी मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। अच्छा मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। हाँ सोच। सोच। गुड मॉर्निंग सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आप एकदम लाल गुलाब लग रही हैं। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। ओके थैंक यू। यू वेलकम। खुश क्यों लग रही है? कौन सा तीर मारा है? वही तीर जो तुम आज तक नहीं मार पाए। हाउ सैड ना। पता है करण सर ने ना मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज अ लीड मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। क्या? यस बेबी, बाय बाय। मैं कमिंग सर। कमिंग सोनिया। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सोनिया, अब जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। श्योर सर। सर इफ यू डोंट माइंड हम कॉफी पे जा सकते हैं? शिट सर सॉरी, मैंने शायद एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। आई एम सो सॉरी। नो नो सोनिया, इट्स ओके। हम कॉफी पीने जरूर जाएंगे सोनिया, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम यही परफ्यूम लगा कर आओगी। हाँ फॉर श्योर सर, बिल्कुल मैं यही परफ्यूम लगा के आऊंगी। थैंक यू। वाह बहुत जल्दी सीख गई तुम ये खेल। पहले बॉस को कॉफी पर ले जाना, फिर डिनर और वाइन पे, फिर बॉस के घर पे, और इसके बाद तरक्की ही तरक्की। हाँ अमेजिंग। तुम जितनी भोली दिखती हो ना उतनी हो नहीं। तुम्हें समझने में गलती करती थी मैंने। गलती तो तुमने अब की है दिव्या। डॉक्टर।
वॉचमैन, कोई है? कि ये लड़की आजकल रोज इतना लेट आती, और इस मोबाइल को भी ना आज ही बंद होना था। क्या करूं? जी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। ओह जी थैंक यू। फोन जी। कोई शायद नॉक कर रहा है अंदर आपके घर में। आप फोन लगाइए। हेलो। हेलो कौन है आप? सामने 502 में रहने आए हैं ये और इनकी बेटी। मेरे हस्बैंड। ओह नमस्ते। एप्पल खाएंगी आप? थैंक यू। हेलो सोनिया, बेटा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मैं तो घर में हूँ, कितना ढूंढा, आपको पता नहीं आप कहाँ पर हो। अच्छा घर पे आ गई बेटा, मैं वो सामने वाले फ्लैट में आई थी तुझे फोन करने। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी घर पे आओ, मुझे तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। ठीक है मैं आ रही हूँ। आपकी बेटी घर आ गई है ना? जी हाँ। कोई टीवी खुली छोड़कर आया हूँ मैं। वो आपका इंतजार कर रही होगी। जी जी। सोनिया कहाँ है बेटा? बता क्या हुआ? माँ आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। जिम्मेदारियां तनाव पैदा करती हैं और तनाव में ये सब हो जाता है। इट्स ओके वो सब छोड़ो, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा बता। मेरे बॉस ने मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज अ न्यूड मॉडल सिलेक्ट कर दिया। एज अ मॉडल? हाँ। अरे वाह क्या बात है, मैंने नहीं कहा था। तुम इतनी सुंदर लगने लग गई है कि ये तो होना ही था। माँ आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आप खाना रेडी करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। हाँ,
ओके। सोनिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कॉफी पीने चलेंगे। जैसे कि तुमने कहा था, तुम्हारा सेलिब्रेशन मेरे बिना अधूरा है। थैंक यू सो मच सर। अरे वेयर इज दिव्या, आई नहीं हो आज? पता नहीं सर, इन्फॉर्म भी नहीं किया आज तो। एनीवेज वो आए तो उसे मेरे केबिन में भेज देना। हाँ सर जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Bye. 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 क्या बात है मैडम जी, आज आप अभी तक घर नहीं गई? आज मैं करण सर के साथ कॉफी पे जा रही हूँ। आए हाय, क्या बात है, बॉस के साथ कॉफी शॉपी। पर एक बात बता दूं आपको, बॉस ना बड़ी बड़ी मॉडल के साथ भी कॉफी पे नहीं जाते। फिर आप तो मतलब देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करती रह जाएं आप। जाओ तुम अपना काम करो। कमाल है, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। मैं कम इन सर। या प्लीज कम सोनिया। सर चले कॉफी के लिए? ओह जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, कुछ जरूरी मेल्स करने हैं। ओके फाइन फाइन सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। सोनिया तुम अभी तक गई नहीं? हाय सर चले कॉफी पे। ओह वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, तो सॉरी हम नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू। पहले ही बोला बॉस नहीं जाने वाले आपके साथ। कितनी मॉडल आई और गई, और आप तो रिसेप्शनिस्ट हो जो एक साल बाद पहचानी गई हो। कॉफी भूल जाओ और मेरे साथ चाय पे चलो, वो भी टपरी पे अपने बराबर की। मुझे चाय पिलाएगा? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रोज रोज तेरा इतना लेट आना, ये ठीक नहीं है। अरे माँ ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, और आप बताओ अगर ओवर टाइम नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी? देख बेटा बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितने पे हमारा नियंत्रण रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हो। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। और वो क्या गलत हो रहा है मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ हूँ तेरी, बचपन से तुझे देखा है, तू ऐसे कभी भी नहीं थी बेटा। माँ प्लीज, लाइफ में पहली बार मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, अच्छा काम मिला है, और लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और प्लीज मॉम,
अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती है तो प्लीज ऐसे सवाल करके मुझे डिस्करेज मत कीजिए। सोनिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है ऐसी रोक टोक का? मैं कितने बजे भी आऊँ और मेरी तरक्की कैसे भी हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप सिर्फ पैसों से मतलब रखिए। तुम क्यों बदलती जा रही हो इतना बेटा? बदलना तो आपको चाहिए वक्त के साथ। और ये अपने पुराने ख्याल छोड़िए और आगे बढ़िए और मेरी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए? नहीं, तू मेरी सोनिया नहीं हो सकती। इतनी ना समझ, इतनी बदतमीज, नहीं है तू मेरी बेटी। हाँ, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। आपको जो समझना है समझ लीजिए, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया इसको? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप चुप चुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम है। नहीं देखो क्यों, मुझे आपसे बात करनी दीजिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, प्लीज खोलिए ना। हाँ, देखिए बहन जी, मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे सामने वाले घर में कोई प्रॉब्लम। हम लोग जब से यहाँ आए, मेरी बेटी बहुत बदल गई, पता नहीं उसे क्या हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। प्लीज बताइए कि उस घर में क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। क्या मतलब है आपका? आप जिस फ्लैट में रहते हो, मेरी बेटी नेहा और मेरे दामाद वहीं रहते थे। एक्ट्रेस बनना चाहती थी मेरी बेटी, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोल मैं कर रही हूं, अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अचानक एक दिन उसे वो औरत मिली, बहुत खतरनाक थी वो। तुम इसे रोज इस्तेमाल करना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू की तरह होगा, और जिसे ना पसंद करोगी उसके लिए तेजाब। नेहा को रातों रात सक्सेस मिल गई, सब मिला, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, वो इन सब में अपने परिवार से दूर होने लगी। एक दिन तो उसके पति के साथ उसका इतना झगड़ा हो कि उसने अपने पति को ही मार डाला। अब कहाँ है आपकी बेटी? ये है मेरी बेटी नेहा। पिछले 6 महीने से दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। उन हादसों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, इसीलिए हमें उसे उस कमरे में बंद रखना पड़ता है। जब भी होश आता है दरवाजे दीवारें पीटती रहती है बाहर निकलने के लिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरी बेटी के पास थी वो शायद आपकी बेटी को मिली है। उससे उसे कामयाबी तो मिलेगी पर सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है
कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह पागल ना हो जाए। वो कौन सी चीज थी जो उस औरत ने आपकी बेटी को दी थी? बता दे। ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में, वो क्या चीज होगी जिसने मेरी बच्ची को पूरी तरह से बदल दी? माँ, ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है हम आज ही इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों और इतने अचानक से? क्या हो गया माँ? जब से हम इस घर में हैं हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है माँ, तो अचानक से क्यों? तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हाँ, तुम्हारा सामान भी मैंने पैक कर दिया है। क्या आपने मेरा मेरा सारा सामान पैक कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बिना? और वो मेरी परफ्यूम की बॉटल कहाँ रखी है आपने? परफ्यूम की बॉटल? कौन सी परफ्यूम की बॉटल? वही परफ्यूम की बॉटल जिसने मुझे ये पहचान दी है, जिससे सब जलते हैं, आप भी जलती है। ओ, तो ये परफ्यूम ही वो खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में शोभा जी ने मुझे बताया था। अगर मुझे सोनिया को बचाना है तो कैसे भी इस बोतल को उससे दूर करना होगा। मा, 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 प्लीज बता दो माँ। सोनिया कहाँ है वो? सोनिया मेरी बात सुन बेटा, सुन। देख होश में आ सोनिया, वो उस परफ्यूम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर। नहीं नहीं माँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप बस देखो, आप मुझे बता दो वो परफ्यूम आपने कहाँ रखी। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। प्लीज सोनिया, आप क्यों चाहते हो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना? वो परफ्यूम जिंदगी नहीं, मौत है। मौत नहीं है, उसी परफ्यूम ने मुझे पहचान दी थी। कौन छुपाई है बताओ, कौन छुपाई है मेरी परफ्यूम बताओ। रुक जाओ, ये रही वो परफ्यूम की बोतल, इसी को ढूंढ रही थी ना तू? हाँ प्लीज प्लीज माँ, मुझे वो परफ्यूम दे दो। सोनिया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ आप वो परफ्यूम से दूर रहो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज। नहीं दूंगी, बोला ना, मुझे मेरे परफ्यूम वापस दे दो। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ सोनिया, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? तेरी माँ बेटा, इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, ये परफ्यूम मुझे दे दो और जाओ यहाँ से। नहीं नहीं दूंगी माँ, मैं बोल रही हूँ मुझे दे दो मेरी परफ्यूम। नहीं दूंगी माँ। दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती बेटा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। माँ मेरी परफ्यूम दे दो, मेरी परफ्यूम की बॉटल दे दो, वापस दे दो मेरी बॉटल। नहीं दूंगी, मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। तुझे जो करना करे, आखिरी बार बोल रही हूँ, वापस दे दो मेरी बॉटल, मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। ये बोतल क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो मेरी बात, ये खतरनाक शक्ति है, ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो ये काली शक्ति है, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बॉटल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बॉटल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगी। जाओ यहां से, मुझे ये बॉटल दे दो। बेटा सिर मत, सोनिया प्लीज, सोनिया की बॉटल, सोनिया बेटा सिर मत, इसकी वजह से मेरा रोहित मर गया, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरी हालत देखो,
आज मैं ऐसी इसलिए हूँ कि परफ्यूम कभी मेरे पास जाते हो तुम मुझसे, सब जाते हैं मेरे से। मेरी बात मान जाओ, ये परफ्यूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो ये उनके लिए खुशबू है जिन्हें तुम पसंद करोगी, जिन्हें तुम ना पसंद करोगी उनके लिए ये तेजाब है, ये तेजाब है। दे दो मुझे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं, जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो, दे दो, दे दो। छोड़, छोड़ इसे। देखो, 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 छोड़, देखो इसका असर, देखो, देखो सोनिया, देखो मेरी बात मानो, सबको बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ो, मत करो ऐसा। नेहा, सोनिया, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.